अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसे जैसे चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने वाली है और उनकी रिटायरमेंट का दिन नज़दीक आ रहा है, उसी तरह अब इमरान खान की जानिब से भी खुलकर खेलने का फैसला कर लिया गया है। इमरान खान की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के हवाले से ऐसा तबाहकुन किस्म का मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है जो इससे पहले इमरान खान की जानिब से कभी देखने या सुनने को नहीं मिला। इमरान खान ने आज चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के हवाले से बड़ा अहम इंकशाफ किया है और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी एक बड़ी अफसोसनाक किस्म की खबर आपके साथ शेयर करेंगे कि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इमरान खान के जेल में रहने के दौरान पार्टी के अंदर जो खींचातानी है वो शायद अपने अरूज पर पहुँच चुकी है। और ये मामला पहले हमें जो है वो शेर अफजल मरवत की सूरत में देखने को मिला और इसके अलावा पार्टी के दीगर रहनुमाओं के साथ उनके झगड़े थे, लेकिन अब ये मामला पंजाब में भी पहुंच चुका है और पंजाब के हवाले से भी पीटीआई की कोई अच्छी खबर सुनने को नहीं मिल रही। आज पीटीआई पंजाब के सदर हमाद अजहर की जानिब से दूसरी बार अपना इस्तीफ़ा दिया गया है। हमाद अजहर की जानिब से यह इस्तीफ़ा क्यों दिया गया है, पार्टी के अंदर क्या खींचातानी चल रही है और कौन से ग्रुप के साथ हमाद अजहर का इस वक्त तनाव की सूरत हाल है, उसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। तो आगाज़ करते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के खिलाफ अब अपनी जो तोपें हैं वो उन्होंने बिल्कुल सीधी कर ली हैं और इमरान खान शायद अब ये समझते हैं कि वक्त आ गया है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के खिलाफ वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। इससे पहले आपको पता है कि इमरान खान चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा पर इतमाद का इजहार भी करते रहे हैं। अदलिया को बैक करने के हवाले से भी इमरान खान की जानिब से अपने पार्टी जो कारकुनान हैं उनको हिदायत जारी की गई और इमरान खान ये भी कहते रहे हैं कि मौजूदा हालात में जब अदलिया दबाव का शिकार है तो पीटीआई को चाहिए कि वो अदलिया के पीछे खड़ी हो, अदलिया को अपना भरपूर तावन और सपोर्ट दिलाए। लेकिन ये चीज़ें किसी खाते में हमें इसका कोई मुस्बत हमें जो रिज़ल्ट है वो देखने को नहीं मिला। लेकिन अब इमरान खान जैसे जैसे चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने वाली है, उनकी रिटायरमेंट करीब आ रही है और अब तो देखें कि तकरीबन दो माह बाकी रह गए हैं। 26 अक्टूबर 2024 की रात चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रुख्सत हो जाएंगे और उनकी तौसी के हवाले से जितनी भी कोशिशें और काविशें की गई वो बज़ाहिर अब तक मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती हैं। हम पहले भी कहते रहे हैं कि एक चाल जब पीडीएम की जानिब से ये चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा या एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से चली जाती है तो कुदरत भी हमें उसी तरह अपना जो प्लान है, अपना जो मंसूबा है वो उसमें थोड़ा बहुत रद्दोबदल करते हुए नज़र आती है। कोई तालमेल ऐसा शायद बन चुका है कि कुदरत भी अपनी चीज़ों को उसके साथ साथ प्लान कर रही है और शायद इसी वजह से चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा अपनी मुद्दत मुलाजमत में तौसी के ख्वाब को चिकना चूर देखते हुए आज बहुत ज़्यादा दबाव में भी नज़र आए। इस तरह का अग्रेशन, इस तरह की फ्रस्ट्रेशन, इस तरह का दबाव और डिप्रेशन काजी साहब के चेहरे पर या उनके मिजाज में कभी नहीं देखा गया था जो आज हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर एक में देखने को मिला। और इमरान खान की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा और जस्टिस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक समेत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लंदन प्लान का बाकायदा हिस्सा करार दिया गया है। ये स्टेटमेंट इससे पहले इमरान खान की जानिब से कभी किसी मौका पर सामने नहीं आई और शायद इमरान खान का जब्त जवाब दे चुका है, क्योंकि हर अदालत में आप देखें कि इमरान खान और पीटीआई के मुकदमात जानबूझकर ताखीर का शिकार किए गए। तोशाखाना में जिस मुकदमे में इस वक्त इमरान खान अडियाला जेल में कैद हैं उस मुकदमे की जो तारीख थी वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने 17 अक्टूबर मुकर्रर की और उसके बाद वो छुट्टी पर चले गए ताकि कोई और बेंच उस दरख्वास्त को सुन ही ना सके। तो इस तरह का रवैया अदलिया की जानिब से इमरान खान के साथ रवा रखा गया और शायद अब इसी वजह से इमरान खान ये चाहते हैं कि लंदन प्लान के तमाम किरदारों को बेनकाब किया जाए, उनको एक्सपोज किया जाए, कौम के सामने उनके नाम लाए जाएं ताकि कौम को अंदाज़ा हो कि इस मुल्क के साथ जुल्म, ज्यादती और अवाम के साथ जबर करने वालों के नाम क्या हैं और वो कौन लोग हैं जो अवाम जो पाकिस्तानी अवाम का बुरा सोच रहे हैं और पाकिस्तान को इस हाल में पहुँचाने वाले हैं। इमरान खान की जानिब से आज बड़ी अहम गुफ्तगू की गई अडियाला जेल के अंदर। 4 से 5 अगर हम इमरान खान की तकरीर से नुकात निकालें तो 4 से 5 ऐसे नुकात हैं जो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा पर अदम एतमाद के हवाले से आज इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान की जानिब से भी बड़ी अहम गुफ्तगू की गई और उन्होंने
चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के आज के जो रिमार्क्स थे, जो मार्गला हिल्स नेशनल पार्क से मुतल्लिक के केस था और उस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने 190 मिलियन पाउंड या अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से दिए, ये इंतहाई तासुब पर मबनी थे। क्योंकि अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से हम पहले भी मुतअद्दिद वीडियोस कर चुके हैं कि गुज़श्ता साल जब बहरिया टाउन के केस में अलकादर ट्रस्ट केस का मामला चीफ जस्टिस की जानिब से उठाया गया था, तो उसके बाद जब मशरिक बैंक से तमाम तर डाटा मंगवाया गया तो उस डाटे से ये साबित हुआ था कि मलिक रियाज की फैमिली ने वो तमाम पैसा लीगल चैनल से यानी मशरिक बैंक के जरिए पाकिस्तान को भिजवाया था। और आप एनसीए का जो मलिक रियाज के साथ होने वाला मुआहदा है और इस हवाले से बरतानिया की जो मकामी अदालत है उसका वो फैसला भी पढ़ें, तकरीबन कोई 45 या 46 सफात पर मुश्तमिल फैसला है। आप गूगल पर भी सर्च करें तो आपको उस हवाले से वो उसकी कापी पीडीएफ की सूरत में मिल जाएगी। आप वो फैसला पढ़ें और उसका पैराग्राफ नंबर 46 है शायद, जिसमें जो मलिक रियाज के साहबजादे अली रियाज हैं और एनसीए के दरमियान मुआहदे का जिक्र है और उसमें यह कहा गया है कि अली रियाज मलिक के ये पैसे जो हैं ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में भेजे जाएंगे। तो कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसे शवाहिद नहीं थे जिससे ये साबित किया जा सके कि वो 190 मिलियन पाउंड करप्शन के पैसे थे, लेकिन उसके बावजूद काजी साहब ने इस पर ऑब्जर्वेशन दी, इस पर फैसले दिए और वो 190 मिलियन पाउंड जब्त करने का हुक्म दिया। क्योंकि मलिक रियाज इमरान खान के खिलाफ गुज़श्ता साल अक्टूबर में वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार नहीं था। तो ये हालात, इस तरह के हालात का इमरान खान और उनकी सियासी जमात को सामना करना पड़ा और इसी वजह से आज अलीमा खान की जानिब से भी ये कहा गया कि काजी साहब पर हम अदम एतमाद का इजहार करते हैं। आज चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने 190 मिलियन पाउंड या अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से ऑब्जर्वेशन देकर खुद को मुतनाज़ा बना लिया है और उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि जजेस के फैसले बड़े अजीम होते हैं और नस्लों तक याद रखे जाते हैं और काजी साहब भी जाते जाते कुछ इज्जत कमा कर जाएं, उनकी रिटायरमेंट में अब सिर्फ 2 माह बाकी हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस आमिर फारूक के कंडक्ट को भी अगर देखा जाए तो वो भी हमें कोई अच्छा नज़र नहीं आता। आप ये जहन में रखें कि 22 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तोशाखाना केस में इमरान खान को डिसीट किया गया था और उस फैसले के खिलाफ आज भी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जबकि तोशाखाना से 4 मजीद मुकदमात निकल कर सामने आ चुके हैं और इमरान खान को एक ही तरह के मुकदमे में 4 बार सामना करना पड़ा और 4 बार उनको सजाएं सुनाई गई। तो यहाँ से अंदाज़ा होता है कि इमरान खान के खिलाफ कितनी घिनौनी किस्म की साजिश की गई और पाकिस्तान की अदलिया और इसके कुछ जजेस उसमें बराबर के हिस्सेदार थे, शरीक थे और शायद इसी वजह से इमरान खान ने आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा पर लंदन प्लान का हिस्सा होने का इल्ज़ाम लगाया है। और यहाँ पर यह बात भी बड़ी अहमियत की हामिल है कि इमरान खान की जानिब से आज जो जनरल साबिक DGISI हैं फैज़ हमीद, उनके हवाले से भी बड़ी अहम गुफ्तगू की गई और उनकी जानिब से ये कहा गया कि फैज़ हमीद पाकिस्तान का असासा थे लेकिन उनको ज़ाया कर दिया गया और ज़ाया इस सेंस में किया गया कि इमरान खान का ये कहना था कि जब अफगान तालिबान की हुकूमत आ रही थी और अमरीका का इनखला हो रहा था अफगानिस्तान से तो उस वक्त फैज़ हमीद तालिबान के साथ इंगेज थे और गुज़श्ता 3 साल से वो तालिबान के साथ बातचीत कर रहे थे, मुज़ाकरात कर रहे थे और वो ये समझते थे कि अगर फैज़ हमीद DGISI के ओहदे पर रहते हैं तो उससे पाकिस्तान को खातिर खा फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, दहशतगर्दी के मसाइल हैं उससे छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। क्योंकि अफगान तालिबान के अंदर फैज़ हमीद साहब का भी बड़ा एहतराम और उनकी इज्जत थी और अगर वो तालिबान के साथ उसी फौरी अमरीकी इनखला के फौरी बाद ही ये मामला तय कर लेते तो शायद आज पाकिस्तान को दोबारा दहशतगर्दी के इस जिन से छुटकारा मिल चुका होता। लेकिन इमरान खान की जानिब से कहा गया कि फैज़ हमीद की के जो तबादला था उस पर उनकी जनरल बाजवा के साथ तलख कलामी भी हुई, हालात कुछ कशीदा भी हुए और उसके बाद उसके बावजूद जनरल फैज़ हमीद को तब्दील कर दिया गया और इमरान खान की जानिब से ये कहा गया कि जो है वो तालिबान के साथ जो मुआहदे किए, यानी कि PTI के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने तालिबान के साथ मुआहदे किए थे जिसकी वजह से अब तालिबान वापस आ चुके हैं, तो उस पर भी इमरान खान की जानिब से कहा गया कि अगर हमने तालिबान के साथ मुआहदे किए थे और उस वक्त जो है वो उसकी वजह से वो वापस आए हैं तो इस वक्त यानी गुज़श्ता 2.25 साल के दौरान जो दहशतगर्दी हो रही है वो क्यों हो रही है, उसकी क्या वजह है,
इस हवाले से कोई जवाब जो है वो हमें पीडीएम हुकूमत की जानिब से नहीं मिलता। यानी अगर पीटीआई दौर में ये इमरान खान हुकूमत ने कुछ गलत किया था तो अब उसको दुरुस्त कर लेते तो फिर इसका मतलब ये है कि जो मसाइल इस वक्त हैं उस वक्त भी वही थे, हालांकि अब दहशतगर्दी हो रही है, पीटीआई के दौर में दहशतगर्दी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अफगान तालिबान के दिल में भी इमरान खान का बहुत ज़्यादा एहतराम है। गुज़श्ता साल जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत गिराने की साजिश हो रही थी इस्लामाबाद में मार्च 2022 में, उस वक्त इमरान खान अफगान तालिबान के लिए और अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के अंदर जो OIC थी उसके 2 इजलास मुनक़द करवा चुके थे। तो यहाँ से भी एक शख्स के, एक रहनुमा के, एक लीडर की खलूस और उसकी जो एक पड़ोसी के साथ जो उसका एहतराम का रिश्ता है उसका भी अंदाज़ा होता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जनरल फैज़ ज़ल्मे खलीलज़ाद और तालिबान को भी मेरे पास लेकर आया था। अब जितनी दहशतगर्दी हो रही है इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जनरल बाजवा है। इसके अलावा उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से ये भी कहा कि जनरल बाजवा ने उनकी जो है वो हुकूमत गिराने की साजिश की, वो एक्सटेंशन चाहते थे। एक्सटेंशन के हवाले से वैसे आप देखें तो ख्वाजा आसिफ साहब भी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि फैज़ जनरल बाजवा साहब उनसे भी यानी नवाज शरीफ से भी तौसी के हवाले से गुफ्तगू करते रहे। और इसके अलावा इमरान खान की जानिब से ये भी कहा गया कि 8 फरवरी को PTI इलेक्शन जीत गई और चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन ने अब इस फ्रॉड इलेक्शन को छुपा रहे हैं। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के तमाम तर जो इल्ज़ाम हैं वो बिल्कुल सच हैं और उनकी कही एक एक बात ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब आईनी तरमीम लाना चाहते हैं, धांधली को छुपाना चाहते हैं और आईनी तरमीम के ज़रिए ये तीसरी दफ़ा आयन शिकनी करेंगे। इससे पहले 2 आयन शिकनियाँ हो चुकी हैं, यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के हवाले से आयन शिकनी की गई, दोनों सूबों में आम इंतखाबात नहीं करवाए गए। फिर उसके बाद आप देखें कि जब 9 अगस्त 2023 को कौमी असम्बली तहलील हुई तो उसके बाद मुल्क भर में एक साथ आम इंतखाबात करवाने के हवाले से भी आप देखें कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाने थे, यानी 8 नवंबर तक इलेक्शन होने थे, लेकिन वो इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को हुए। तो ये आयन शिकनी दूसरी आयन शिकनी थी, जबकि अब तीसरी आयन शिकनी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाता तो फिर इससे मजीद मसाइल पैदा होंगे और पाकिस्तान मजीद मसाइल का शिकार होगा। और शायद इसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि जिन लोगों ने यह आयन शिकनी की है, मुझे अगर लगता है कि जैसे बाज़ मुल्ज़िमान को 2-2, 3-3 बार सजाए मौत की सजाएं सुनाई जाती हैं, तो अगर 2-2, 3-3 बार आर्टिकल 6 लगे संगीन गद्दारी के मुकदमात बने तो शायद कुछ लोगों की गर्दनें फंदे की वजह से बहुत लंबी भी हो जाएंगी। लेकिन ये सिर्फ उस सूरत में मुमकिन होगा जब पाकिस्तान में जो अवामी बालादस्ती है, सिविल सुप्रीमेसी है, उसके लिए काविश होगी और इमरान खान इस बात को महसूस करेंगे कि इस मुल्क में तभी इंसाफ हो सकता है, इस मुल्क में तभी तरक्की हो सकती है, खुशहाली आ सकती है जब इस मुल्क में सिविल सुप्रीमेसी होगी, कानून की हुक्मरानी होगी, तो फिर ही हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद पाकिस्तान के अंदर भी अच्छे दिन जो है उनका आगाज़ होने वाला है। इसके अलावा उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि फैज़ हमीद का ताल्लुक PTI से जोड़ने की कोशिश की जा रही है और इसको 9 मई की साजिश के साथ जोड़ा जा रहा है। तो उस पर इमरान खान ने कहा कि ये अच्छा है कि फ़ौज अपने अंदर भी एहतसाब कर रही है, लेकिन अगर ये एहतसाब कर रही है तो फिर सबका एहतसाब होना चाहिए। और उन्होंने ख्वाजा आसिफ के हवाले से कहा कि ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जनरल फैज़ का 9 मई के वाकयात में बराह रास्त ताल्लुक है, सारा मामला मेरी गिरफ्तारी से शुरू हुआ, इसकी भी तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही? अगर 9 मई जनरल फैज़ ने करवाया है तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। 9 मई दरअसल लंदन प्लान का हिस्सा था, जिधर जिधर आग लगी वहाँ से CCTV फुटेजेस गायब हो गई। तो इस तरह इमरान खान साहब तो एक बार फिर जो है वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ लंदन प्लान का हिस्सा था। और जनरल और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के हवाले से इमरान खान ने एक बड़ी और अहम बात की, वो मैं आपको बता दूं कि इमरान खान ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक लंदन प्लान का हिस्सा थे। काजी फैज़ ईसा को फैजाबाद कमीशन और भुट्टो का केस याद आ गया, लेकिन हमारी पिटीशन नहीं सुन रहे। इनका मसला ये है कि 8 फरवरी को PTI इलेक्शन जीत गई, चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन अब इस फ्रॉड इलेक्शन को छुपाना चाहते हैं। ये बड़ी सख्त किस्म का मौकफ मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान की जानिब से अब इख्तियार किया जा रहा है। इससे पहले हमें कहीं इमरान खान की ऐसी स्टेटमेंट नज़र नहीं आई जिससे इमरान खान की बातों से ये पता चलता हो कि इमरान खान जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, चीफ जस्टिस आमिर फारूक और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को 8 जो बल्कि जो लंदन प्लान है
उसका हिस्सा समझते हैं। बहरहाल बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अब इमरान खान ने काजी साहब की जो मुद्दत रिटायरमेंट है उसके करीब आते ही शायद उनके साथ किसी भी किस्म की कोई नरमी बरतने से शायद उन्होंने अब फैसला कर लिया है कि वो कोई नरमी नहीं बरतेंगे और आने वाले दिनों में मुमकिन तौर पर इस हवाले से इमरान खान और पीटीआई की जानिब से कोई और बड़ा सख्त और अहम मौकफ भी सामने आ सकता है। अब आते हैं पीटीआई की अंदरूनी लड़ाई की तरफ। पीटीआई के दरमियान आपको पता है कि अंदरूनी लड़ाई और खींचातानी का सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी है। पहले हमने आपको ये भी रिपोर्ट किया था कि पीटीआई के अंदर लिसानी बुनियाद पर यानी खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा और पंजाब के रहनुमाओं के दरमियान खींचातानी चल रही थी, जिसकी वजह से ये शिकवे शिकायत भी हमें रिपोर्ट हुए थे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वालों में ये इख्तलाफ चल रहा है कि तमाम जो बड़े पार्टी के अहदे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को दिए गए हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि इस मामले को भी सुलझा लिया गया। इमरान खान वक्तन फवक्तन इस हवाले से हिदायत भी जारी करते रहे, लेकिन अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर हमाद अजहर की जानब से दूसरी बार अपना इस्तीफ़ा दे दिया गया है। हमाद अजहर साहब ये समझते हैं कि पार्टी के वो लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने केसेस भुगते, जिनके बच्चे आज भी जेलों में हैं, और उन्होंने हवाला दिया पीटीआई लाहौर के सदर चौधरी असगर का, जिनका साहबजादा अरसलान असगर आज शायद गुज़श्ता रोज उसकी खबर आई थी कि उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर दबाव है, और उनके ओहदे से हटाने के बाद हमाद अजहर की जानब से यह इस्तीफ़ा सामने आया है जो पीटीआई के अंदर चलने वाली खींचातानी को भी जाहिर करता है। ज़राए ये भी बताते हैं कि हमाद अजहर और जो मियाँ असलम इकबाल हैं इनके दो अलग अलग ग्रुप्स हैं पंजाब के अंदर पीटीआई में, और इन ग्रुप्स के दरमियान इस वक्त खींचातानी जारी है और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि हमाद अजहर के ग्रुप को वो बैक फुट पर है और मियाँ असलम इकबाल का जो ग्रुप है वो फ्रंट फुट पर है, जिसकी वजह से ये इख्तलाफात जो हैं ये बढ़ रहे हैं और हमाद अजहर की जानब से अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया गया है और उनकी जानब से ये कहा गया है कि मैं इमरान खान का पहले भी कारकुन और सिपाही था और अब भी रहूँगा। लेकिन ये चीज़ ये साबित करती है कि इन मुश्किल हालात में भी जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने तमाम तर इख्तलाफात भुलाकर मुतहद होना चाहिए था, वहाँ पीटीआई अब भी अंदरूनी तौर पर भी टूट फूट का शिकार है। पानीपत की कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पानीपत की जो लड़ाई है वो शायद पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान नहीं बल्कि पीटीआई के अंदर लड़ी जा रही है, जहाँ पर मुख्तलिफ ग्रुप्स आपस में दस्तों गिरेबाँ हैं। वैसे तो हर सियासी जमात के अंदर भी मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं और ये इख्तलाफ राय का जमहूरियत का इसको हुस्न भी करार दिया जा सकता है कि सारे ग्रुप्स एक दूसरे से किसी हद तक थोड़ा बहुत नज़रियाती या सोच का इख्तलाफ भी रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक ही सियासी जमात के अंदर इकट्ठे बैठते भी हैं और पार्टी और अपने जो जमहूरी जद्दोजहद है वो भी जारी रखते हैं। लेकिन इस तरह के हालात में जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरह के मसाइल का सामना है और अब उनके सीनियर रहनुमाओं की जानब से इस्तीफे सामने आ रहे हैं, तो शिकायत और शिकवा हमाद अजहर की जानब से ये भी किया गया कि कुछ मखसूस लोगों को इमरान खान तक रसाई है, वही मुलाकातें करते हैं, वही यकतरफा जो सूरत हाल है उसके बारे में इमरान खान को आगाह करते हैं और दूसरी साइड से मुकम्मल तौर पर इमरान खान को लाइल में रखा जाता है, जिसकी वजह से इमरान खान उस यकतरफा इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर फैसले करते हैं जो पार्टी के लोगों की कुर्बानियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। और इसमें अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इन इख्तलाफात को जो है वो किस तरह सुलझाया जाता है। वैसे इम्कान यही है कि हमाद अजहर साहब ने जैसे पहले इस्तीफ़ा वापस लिया था, मुमकिन तौर पे इमरान खान की हिदायत के बाद शायद वो दोबारा इस्तीफ़ा वापस ले लें, लेकिन ये चीज़ बड़ी अहम है कि हमाद अजहर साहब की भी कुर्बानियाँ हैं, मियाँ असलम इकबाल साहब की भी कुर्बानियाँ हैं। मियाँ असलम इकबाल साहब की साहबजादी की शादी ना हो सकी, उनके भाइयों, उनकी बहनों और दीगर अजीज़ों अकारब के घरों पर भी छापे मारे गए, गिरफ्तारियां की गई, लूट मार की गई, उनकी बच्ची का जहेज का सामान तक लूट लिया गया। तो ये मसाइल सब के साथ हैं, सब ने कुर्बानियां दी हैं, सब ने मुश्किल वक्त देखा है, लेकिन अब जब हाथी गुजर चुका है और सिर्फ उसकी पूंछ पीछे रह गई है तो मेरे ख्याल में पीटीआई वालों को भी चाहिए कि वो अपने इख्तलाफात को भुलाएं। मुश्किल वक्त आपका सारा गुजर चुका, अब आगे इसके बाद आसानी शुरू होनी है और उस आसानी शुरू होने से पहले ही अगर आप इख्तलाफात का शिकार हो जाएंगे तो फिर इससे ना सिर्फ इमरान खान की जो जमहूरी जद्दोजहद है उसको नुकसान पहुंचेगा, बल्कि जो आपकी साख है वो मियाँ असलम इकबाल साहब हों या हमाद अजहर साहब हों तो फिर उनकी साख को भी नुकसान पहुँचेगा। सईद बलोच को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।